गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू सेशन का। ठीक है, ये आपकी उर्दू ए का है। उर्दू बी का मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप उर्दू बी के स्टूडेंट हैं जिन्हें जान पहचान पढ़ाई जाती है, तो वो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूँगी। ये हम बात कर रहे हैं उर्दू ए की, जिन्हें अपनी ज़बान पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसको वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूँ। इसके जितने चैप्टर हैं ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, और चैप्टर का लिंक भी मैं आपको प्लेलिस्ट में कमेंट में दे दूँगी। बाकी इनकी प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब आपको जो पढ़नी है बुक, उसका क्या नाम है? अपनी ज़बान। ठीक है, अपनी ज़बान आपको बुक पढ़नी है, जिसमें पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है मिट्टी का दिया। ये एक नज़्म है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को करा दी हैं एक ही वीडियो में। मेरे ख्याल में 20 मिनट के आसपास की एक वीडियो है, जिसमें आपको ये नज़्म भी पढ़ाई गई है। उसमें उसे एक्सप्लेन भी किया गया है कि वो नज़्म क्या कहना चाह रही है। इसके अलावा उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो उसके मरकज़ी ख्याल हैं, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी वो आपके लिए। ठीक है, इसके बाद अक्लमंद किसान, एक पहाड़ और गिलहरी जो नज़्म है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका एक चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपके क्लास छठी के हैं। ठीक है, और जो यहाँ ये चैप्टर दिए गए ना, ये पिछली क्लास यानी आपकी पाँचवीं जमात के हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहें तो कोई इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई आप नज़्म पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे ना, मैम इन सब का क्या मतलब है? तो इनका मतलब ये है कि भाई, अगर आप दिमाग लगा के अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होंगी, आप नए नए अल्फाजों को समझ पाएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ देखिए, आपको लिखा है कि भाई आपको नज़्म वग़ैरह अच्छे से पढ़नी है। ठीक, और इसका ख़ास ख्याल रखना है कि आप गलत सलत ना पढ़ें, अल्फाज मायने ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। ठीक है, और बुक वर्क भी करें। इसके बाद कहते हैं उर्दू गुलदस्ता जो आपकी किताब है, ठीक है, जैसी नियत वैसा फल, या फिर आपका खुशी का राज, या परी का वरदान, या कौन सा दिन अच्छा है, ये आपकी किताब है। इसके भी ये तो किताब ऑलमोस्ट कवर कर दी है मैंने, ये पूरी कंप्लीट हो गई। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसके भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब मैंने करवा दिए। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं कि ये किताब निसाब में तो शामिल है, लेकिन इसके जो सबक हैं, जो असबाक हैं, वो इम्तिहान में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे आपके यूटी होते हैं या और किसी तरह के कोई असेसमेंट होते हैं, तो उनमें इसके चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ये चैप्टर आपको पढ़ने तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कवायद यानी ग्रामर की। तो ग्रामर में मुश्किल अल्फाज, वाहिद जमा, मुतज़ाद, फ़ेल की किस्में, है ना, उसकी तारीफ, फिर लफ्ज़ों और मुहावरों के जो है जुमलों में इस्तेमाल करना, इमला दुरुस्त करना, या मुज़क्कर मुअन्नस, ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं। और ये सारी चीज़ें पहले से ही अपलोड हैं, बाकी इंशाल्लाह अगर मौका लगा तो दोबारा करा दी जाएंगी। अदरवाइज़ ये सब अपलोड हैं, आप लोग देख सकते हैं। आपके लिए ना अलग अलग तरह से प्लेलिस्ट बनाई गई है। ग्रामर की अलग प्लेलिस्ट है, आपके सब्जेक्ट की और आपकी क्लास वाइज सब अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप लोग जाके देखेंगे, सब एक पैटर्न वे में वहाँ मौजूद है। आप ज़रा सा ढूंढेंगे, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम तहरीरी महारत की बात करें, तो इसमें आपको दरख्वास्त, ख़त और मजामीन, तीन चीज़ें पढ़नी है। शादी में शिरकत के लिए आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको गर्मियों की छुट्टी बतानी है, अपने घर बुलाना है, मतलब इस तरह से दोस्त को घर बुलाने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, पैटर्न सबका सेम होता है, आप बस पैटर्न को समझ लीजिए, बाकी काम तो आप खुद करते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर हम मज़मून की बात करें, मज़ामीन में आपको बरसात के मौसम पर लिखना है, पसंदीदा शख्स पर लिखना है, यौम आज़ादी पर लिखना है, ठीक है, और रक्षाबंधन पर लिखना है, तो ये कुछ आपके त्यौहार वगैरह पर लिखना है, तो ये सब चीज़ें आप लोग कर लेंगे। ये वैसे अपने चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये कहा गया है कि ये सब 13 सितंबर तक कंप्लीट करा देना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि 13 सितंबर के बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं फाइनल टर्म की, तो क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और फाइनल टर्म दोनों के ही सिलेबस है, ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा, या जो चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ रहा है उसमें आई बना दीजिए, जो सेकेंड टर्म में आ रहा है उसमें सेकेंड ऐसे बना दीजिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सेकेंड टर्म में क्या क्या आ रहा है।
ये आपकी एक नज़्म है, ज़र्रों को भी इंसान बना दो, ठीक है, सीमाब अकबर आबादी साहब की, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद गांधी जी पढ़ना है, हामिद अल्लाह अफसर का। इसके बाद ईदगाह जो कहानी है प्रेमचंद साहब की। इसके बाद हमारे त्यौहार, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा है पहले काम बाद में आराम, आपका तिलोक चंद महरूम की ये नज़्म है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है काबुली वाला, ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी है, ठीक है। तो ये इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हम बात कर देते हैं उर्दू गुलदस्ता की। तो देखिए, तीन सवाल, कछुआ और तालाब, किस्मत का खेल, ये आपके जो तीन चैप्टर हैं ये आपको पढ़ने ज़रूर हैं, लेकिन पेपर में इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ये सब अपलोड है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, क्योंकि देखिए आपके जो यूटी होंगे या जो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं उन सब में ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर में फिर से देखिए आपको वही जमा, मुतज़ाद, मुज़क्कर मुअन्नस, मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करना, इस तरह से है ना, ज़मीर, इस्म, इनकी किस्में और इनकी मिसालों के साथ, ठीक है, इमला दुरुस्त करना है, सहाक़ल है के और हरफ़ इल्लत के बारे में आपको जानना है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपकी तहरीरी महारत की, तो इसमें आपको कुछ ख़त, कुछ दरख्वास्त लिखनी है, ठीक है, तो इसे आप लोग कर लेंगे। और इसी तरह से ये सिलेबस हमारा होता है कंप्लीट, 31 जनवरी तक ये सब आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये बात पहुँच सके कि भाई उन्हें कैसे पढ़ाई करनी है ना, कौन कौन से चैप्टर हैं जो इस बार सिलेबस में आ रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पढ़ने के साथ साथ नंबर भी लाएं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता कि हम पढ़े जा रहे हैं और फाइनल में जो हमारा स्कोर है वो ज़ीरो आ रहा है ना। तो हमें क्या है, हार्ड वर्क करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।